I'm not going to ask you things which might have been asked by everybody. We will try to do it a little different. Easy पड़ा मुझे इस बार ड्रोन चांस की मदद ली मैंने अदर ऑडिट्स और प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट में. सबसे पहले भाई स्वागत करते हैं हम हमारे इंदौर की शान. इंदौर सुर्खियों में फॉर मल्टीपल रीजंस रह रहा है, स्वच्छता के कारण, एनआरआई मीट के कारण, बट ये सब छोटी मोटी बातें हैं. आज का सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है एंड दैट इज समथिंग विच इज शिखा हु इज देयर हियर विद अस. वेलकम शिखा, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. आई मीन यू नो दिस इज नॉट लेस देन गेटिंग अ बिग 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 सेलिब्रिटी ऑन द शो. सो वेलकम शिखा एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हाउ इज द फील? वेरी हाई जोश. आई नो, बहुत एक्साइटमेंट, विद एक्साइटमेंट, कैसे एक्साइटमेंट, सेलिब्रेशंस, प्राउड मोमेंट्स बहुत सारे हैं. ओके, अभी तक इट्स ऑल सिंकिंग इन. तो तुमने जब सीए ज्वाइन किया था तो तुमने सोचा था कि यू नो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू एंड इट? नो नो, नॉट एट ऑल. Something like this only, and secured yeah, 13 in foundation, but फिर इंडिया में नहीं आई. तो फिर उसके बाद इतना तो नहीं था, थोड़ी मेहनत करी, but this is the best ending I could ever have. तो मतलब foundation में तुम्हारी rank थी. I think foundation you were in fast, right? Correct. फिर intermediate में you didn't get a rank. Final में फिर वापस से rank लेके आ गए. मतलब जहाँ जरूरत थी वहाँ पे तो लेके आ गए तुम. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो फिर यही बनता है, आई मीन नॉन रैंकर इन इंटरमीडिएट एंड गेटिंग अ रैंक, और वो भी दूसरी सीधे, आई मीन कैसे हुआ ये? फाउंडेशन में रैंक आने के बाद आई वाज लाइक कि ठीक है आ जाएगी, कर लेंगे, थोड़ा इंटर में टाइम भी कम रहता है, 9 महीने रहते हैं, राइट, क्लासेस ज्यादा रहती है, एक दो महीने पढ़ा, एक पढ़ा कम पढ़ा था, थोड़ी मेहनत कम करी थी, फिर इंटर के मार्क्स देख के लगा थोड़ी सी और कर लेते तो अपन भी ओके थोड़ा छूट गए, तो थोड़ी मेहनत करी और अच्छा ही उसका फल मिला मुझे. तो मुझे बताओ, जब प्रिपरेशन एटलीस्ट लास्ट 4-6 महीने में करते थे तो क्या दिमाग में ऐसा था कि रैंक लानी है, उस हिसाब से पढ़ाई कर रही हूँ या करते जाओ जो भी चल रहा है? नहीं, था दिमाग में कि रैंक लानी है, सिंगल डिजिट का तो कभी नहीं सोचा था, बस अंडर 50-50 ही रहा, 50 के हिसाब से पढ़ लिया पास तो, और फिर डिफरेंस पता है तुमको कितने मार्क्स का? आई एम श्योर पता होगा. ये हो ही ना बात यार, मतलब वो आई रिमेम्बर 12th में एक स्टूडेंट थी फाउंडेशन, आई यूज टू टेक फाउंडेशन लॉन्ग बैक, तो उसका रिजल्ट आया जब सीपीटी चलता था, तो उस दौरान ही तुम्हारे रिजल्ट आते थे, तो उसका रिजल्ट आया 95% और वो रो रही थी, मुझे लगा खुशी के आंसू है, देन शी सेड कि मेरे इकोनॉमिक्स में 90 आए इसलिए मेरा परसेंट डाउन हो गया. तो आई सल्यूट कि बिल्कुल सही बात है, आई मीन एक मार्क इधर उधर चलता है, इट डजंट मैटर्स, और वेरी नाइस. तो अब ये बताओ कि तुमको क्या लगता है, तुम 25 लाख वाला जॉब करोगी, 30 लाख वाला, 40, 50, क्या बेंचमार्क सेट किया है? बेंचमार्क जॉब का तो भी मेरे पास नहीं है. वेरी गुड, ओके. अगर मिलता है तो जरूर करूंगी, पर मुझे पढ़ना है. सीए बनने के बाद तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं? ओके.
करेक्ट, तो वी वर टॉकिंग इन फैक्ट यस्टरडे ओवर द कॉल, यू मेंशन की तुम्हारा यूपीएससी साइड है, ठीक है, तो देख लो भैया, जितने लोग भी देख रहे हो जरा अच्छे से जान पहचान बना लो, कमेंट्स लिख दो, क्योंकि मैडम कलेक्टर बन जाएंगी फिर उसके बाद कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगी, तो शी इज अ वेरी रिसोर्सफुल पर्सन। चलो दैट्स ग्रेट। ठीक है, एक बात बताओ कि आई मीन आई एम श्योर कि तुम लोगों ने, तुमने अभी इंटरव्यूज और बहुत सारे कॉल्स और ये सब चलने वाला है, तो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू नो दोज थिंग्स व्हिच ऑब्वियसली विल बी देयर और माइट हैव बीन आस्क्ड बाय एवरीबॉडी, वी विल ट्राई टू डू इट अ लिटिल डिफरेंट। तो मैंने एक है ना तुम्हारे लिए बेसिक क्वेश्चन स्टूडेंट से इकट्ठे करके रखे हैं, और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आप सर ये पूछ के बताओ शिखा से कि ये सब उसने कैसे किया, तो मैं तुम्हें लाइन से एक एक करके फटाफट बहुत सारे क्वेश्चंस भेजने वाला हूँ, और तुमको एक वर्ड एक सेंटेंस जैसा लगे वैसे फटाफट आंसर देने। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट रैपिड फायर, ठीक है। आई हैव गॉट अ लिस्ट रेडी विद मी हियर, बकायदा मैंने नोटिंग करी है, तो आई एम गुड इन टर्म्स ऑफ माय होमवर्क। दिन कितनी बजे शुरू होता था तुम्हारा इन द लास्ट 6 months 5 months ऑफ योर स्टडी लीव? 11 या 12 बजे सुबह। और खत्म कब होता था? 5 या 6 बजे रात में, मतलब सुबह ही 5 या 6 बजे। ठीक तो है, तुम्हारे घड़ी खराब तो नहीं थी तुम्हारी? नहीं, तो मतलब तो ये तो बड़ा अलग टाइप का शेड्यूल हो गया, कोई पर्टिकुलर रीजन इसका? नहीं, हमेशा से रात में ही पढ़ाई, कोई रिस्क नहीं लेना था, रात में ही पढ़ाई। अच्छा, वेरी गुड। मोबाइल पहली बार कब उठाती हो तुम दिन में ड्यूरिंग दैट लास्ट 6 months? Just after meeting up, उठते ही फोन। अच्छा, for 5 minutes। Okay। मिनट के लिए और सोने के पहले 10 मिनट के लिए। बाकी पूरे दिन में कहीं पर भी नहीं? बाकी calls and all, बाकी social media sites। तो सुबह 5 मिनट में क्या सर्व करती थी तुम? YouTube, सबसे YouTube। अच्छा। YouTube shorts। अच्छा, अरे वाह। तो CA वाले देखती थी या Bollywood Hollywood हंगामे देखती थी? ठीक है, तो कीप तो यू नो दिस इज समथिंग, मैं जितने रैंकर से बात किया हूँ ना, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है व्हिच आई थिंक प्रूव्स एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रेटजी, देयर इज नो वन स्ट्रेटजी, व्हाटएवर सूट्स यू इज गुड फॉर यू, सो दैट्स वंडरफुल, गुड। पास्ट टाइम क्या था तुम्हारा? कभी पढ़ पढ़ के थकान आ जाती, बोर हो जाती, होता था क्या कभी ऐसा? हां, बहुत। पास्ट टाइम इज टू स्लीप, सो जाऊं एक घंटा सो के उठूं फिर वापस वो आ जाती एनर्जी पूरा। वाह, आई मीन दैट्स अ गुड टेक अवे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है स्लीप को वो लोग गिल्ट से एसोसिएट कर लेते हैं कि मैं आधे घंटे ज्यादा सो गया, जबकि ऐसा नहीं है। आई मीन यू नो आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज मोस्ट रिफ्रेशिंग पार्ट ऑफ योर डे, तो गुड यार, ये भी एक पास टाइम होता है। इंस्टा और लिंक्डइन? लिंक्डइन। अब लिंक्डइन या पहले से ही? यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स? कब देखा था आखिरी? और उससे पहले? करेक्ट। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड कभी ऐसा डाउन, ऐसे कोई लो फीलिंग आई कि यार एकदम लग रहा है प्लान के हिसाब से चीजें नहीं चल रही है, और उससे कैसे उभर के आई? हाँ, मतलब बीच में आए थे कुछ 15-20 दिन, मतलब जुलाई अगस्त के अराउंड, मतलब डाउन टाइम था 15-20 डेज की, आई वाज नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, मेरी तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी okay, सी okay. उसके बाद जब प्लान थोड़ा रिजेक्ट था उस टाइम okay. मेरे दिन में नहीं हुआ तो एक दो दिन छूट गए अपने हाथ से okay. तो सोच पाना कि यार नहीं हो रहा है, कल भी नहीं हुआ, इतना टाइम वेस्ट हो गया, वो सोच सोच के फिर वो 15-20 डेज का वो पता नहीं चला, और उसके बाद 15-20 डेज के बाद लगा कि यार अपने को ही करना है, अपन ही करेंगे, कौन करेगा, कौन मोटिवेट भी कितना कर लेंगे लोग, तो 1 hour 2 hour 3 hour से वापस से फिर मैंने 8-10 hours पे लेके गई, और फिर मतलब जब 8-10 hours हो जाती है उसी दिन नींद आती है सेटिस्फेक्शन वाली, तो फिर वहां से फिर वापस से मजा आना चालू हुआ कि अब तो पढ़ना ही है और रुकना नहीं है, और ऐसे दिन फिर वापस नहीं लाने हैं कि आपने इतना बड़ा ब्रेक ले लिया होगा। ओके, दैट्स वंडरफुल, मतलब गियर शिफ्टिंग करना पड़ती है हमेशा, करना पड़ती है बिल्कुल, हमेशा छठे गियर में नहीं भागेगी, नहीं भाग ही नहीं सकते, कोई नहीं भाग सकता। ठीक है, तो अब ये बताओ कि इसमें मोटिवेशन तुम खुद से लेके आई या तुमने ऐसे कोई वीडियोस यूट्यूब देखा, चैनल देखा, कुछ ऐसा किया या ऐसा कुछ नहीं? YouTube भी देखा, गाने सुने, गाने बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे, महाभारत की टाइटल ट्रैक होती है वो बहुत मोटिवेट करती है, सर जो आखिरी आप लोगों के जो आखिरी के 2-2 मिनट, मतलब पूरे लेक्चर के बाद वो आखिरी के 2 मिनट होते हैं जिसमें आप लोग मोटिवेट करते हैं,
वो भी काफी सुना, दोस्तों से बात करी, दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया है, दो ओके तीन ओके लोग थे उनसे बात करी, तो इन सबसे। ठीक है। मतलब तुम्हारी भी जर्नी ऐसा नहीं है कि वो पूरी एक स्ट्रेट लाइन जैसी चलती रही है, हाँ, अप्स एंड ठीक डाउन्स। है, तो वो हार्ट लाइन जैसा ही था काम, मतलब हार्डलाइन बस वो ब्रेक नहीं आना चाहिए, दैट्स गुड। अब ये बताओ कि आई मीन यू नो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि इन दिस पीरियड कैसे 6 महीने में रिविजन्स कितने किए, मॉक टेस्ट कितने किए, एग्जाम से एक दिन पहले और एग्जाम से आने के बाद वाले दिन, इन सब में क्या स्ट्रैटेजी रही? रिविजन मैंने सिर्फ दो रिविजन करे थे, क्योंकि मुझे फर्स्ट रिविजन में, हाँ फर्स्ट रिविजन आई टुक अराउंड 3 मंथ्स। मैंने सब्जेक्ट्स को 10 to 15 days दे दिए थे, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स के लिए वो इम्पोर्टेंट भी था कि कॉन्सेप्चुअली उन सब्जेक्ट्स में इतना पढ़ना रहता है, बाकी कुछ में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा टाइम ज्यादा दे दिया है। पर सेकेंड रिविजन में मैंने कोप अप किया कि 1 महीने में मैं पूरा सेकेंड कैसे भी 1-1.5 महीने में कंप्लीट करूँ। सेकेंड में भी मैंने इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश की कि अगर अपने पास थर्ड का ऑप्शन नहीं है तो ऐसा कुछ कर लें कि एक दिन पहले सिर्फ जो मैं 10 बार स्टार कर रही हूँ वो ही देखूँ, और बाकी सब मैं इतना इन डेप्थ पढ़ा मैंने फर्स्ट और सेकेंड में कि थर्ड की मुझे नहीं लगी जरूरत फिर सेकेंड के बाद, मेरे पास टाइम भी नहीं था और आई वॉज कंटेंट कि हो गया है मेरा। एंड मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट मैंने ऐसे जाके लिखने के या 3 घंटे बैठने वाले नहीं दिए, एक एक पेपर दिया होगा, 3 घंटे बैठी हूँ घर पे पूरा लिखा है बाकी। ओके और मॉक टेस्ट सीरीज देखी, क्वेश्चंस देखे उसके कि ये मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ओके राइट मॉक टेस्ट और आरटीपी एमटीपी में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नया तो मिलता ही है, तो एक बार कॉन्सेप्ट भी अगर मिल जाए तो वो वैल्यू ही ऐड करता है और आपको सोचने पे वो करता है कि हाँ इस चीज को ऐसे भी सोचा जा सकता है। और तो एक भी पेपर तुमने पूरा 3 घंटे वाला नहीं दिया एग्जाम से पहले? ठीक नहीं मैंने नहीं दिया है, मतलब है, नहीं ओके मैंने नहीं दिया है थ्योरी, जहाँ क्योंकि पेपर पेपर में थ्योरी लिखना आ जाता है तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना कम टाइम है। तो मैंने कोशिश करी थी कि 2 घंटे तो बैठू कम से कम, बाकी ओके। थ्योरी में मेरा वो हाथ छूट ही जाता है कि यार इतना कौन लिखेगा, बट पूरा तब मुद्दे की बात बताओ, FR में छूटा तुम्हारा पेपर या पूरा कर गए थी? अरे हुआ था। वेरी गुड, तो स्पीड तुम्हारी पहले से है मजबूत, हाँ मेरी स्पीड अच्छी है। ओके। फिर एग्जाम के पेपर के दिन आने के बाद का क्या शेड्यूल रहता था? एग्जाम के पेपर दिन आए, पेपर साइड में रखा वो वाला, उसको उठा के भी नहीं देखना है, ना रिव्यूज ओके देखने है ना टेलीग्राम यूट्यूब पे, और सोना है फिर आके 2 घंटे अच्छे से। उसके पहली रात तो सो नहीं पाते, मुश्किल से नींद होती, तो आके सोना है, देन 1-1.5 घंटे में नेक्स्ट सब्जेक्ट का चालू करना ओके फिर तुम वापस क्या एग्जाम के दौरान भी सुबह 5 बजे तक पढ़ती थी सेम तुम्हारा है। हाँ रूटीन? सेम 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 अच्छा, तो एग्जाम तुम्हारा बॉडी क्लॉक पूरा आखिरी तक वैसे ही सेट कर रखा था? जैसा ही था वैसा ही था। ओके, तो तुम जब सोती थी तब तो पेपर का टाइम हो जाता होगा, तो दिक्कत नहीं आई तुमको? नहीं हाँ नहीं फिर वो मैं ऐसा कर लेती थी, 4 बजे सोना है, 10 बजे उठना है, तो इंट्यून हो जाता था। थोड़ा सा। कोई पेपर बिगड़ा? हाँ डीटी कॉस्ट दोनों बिगड़े थे। ओके फिर आने के बाद कैसे बकअप किया? कॉस्ट में तो मुझे पता लगा कि सभी का बिगड़ा है, मतलब इट वाज वन ऑफ दी लेंथीएस्ट पेपर और डिफिकल्ट भी आया था, तो मैंने चलो सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद इलेक्टिव था तो आई वाज लाइक कि ठीक है संभाल लिया खुद को, 2-3 घंटे दे भी दिए तो आई वाज ओके। राइट डीटी के बाद तो आखिरी पेपर था आईडीटी, हाँ, तो तो वो उसी की खुशी में निकल गया कि अब आखिरी पेपर देना है, तो पेपर बराबर है, अब जेल खुलने वाली है। का आके। ओके इस पूरे आई मीन कोई ऐसा इंसिडेंट जो तुम शेयर करना चाहती हो स्टूडेंट्स के साथ, इस पूरे में कहीं तुमको ऐसा लगा समथिंग व्हिच कुड बी हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस? कि अपने प्लान्स फ्लेक्सिबल रखना है, मतलब कभी भी कुछ भी हो जाता है, ओके बफर बफर रखना है, दिनों का 5 से 10 दिन बफर रखना है, कुछ भी हो जाता है, बीमार हो गए, कुछ फैमिली में कुछ हो गया, तो जितने रिजिड रहेंगे प्लान्स या जितना अपन गिल्ट में रहेंगे कि यार मैंने नहीं पढ़ा उस दिन पढ़ लेते, तो वो गिल्ट में रह के कुछ नहीं होगा। ओके आज कल का जान देना है कि बस आज से चालू करते हैं, कल गया तो गया ठीक है। ओके अरे ब्यूटिफुली सेड एक्चुअली। हाँ पास्ट इज, मैं भी बोलता हूँ ना, पास्ट इज नॉट टू लिव इन, इट इज टू लर्न फ्रॉम, इट इज वेरी ट्रू। तो तुम्हारे पूरे सीए के इंसिडेंट्स में यानी 3-4 साल के करियर में आई मीन कोई भी ऐसी वाक्या तुम शेयर करना चाहते हो, यू नो समथिंग एकदम से दिमाग में आता है, सम लेट्स पुट इट मोर रिफाइंड मैनर में कि पूरे सीए के 4-5 साल की तुम्हारी जर्नी में व्हाट इज द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट फॉर यू?
माय मोस्ट प्रेशियस वाज द डे, मतलब यस्टरडे वाज द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट ऑफ माय लाइफ, और मेरी आर्टिकलशिप की जर्नी, द फ्रेंड्स आई अर्न, द मोमेंट्स वी स्पेंड टुगेदर, बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ ओके बेसिकली. अच्छा तो यू हैड अ मिनी कॉलेज एक्सपीरियंस इन आर्टिकल या में. मिनी कॉलेज एक्सपीरियंस. अरे वाह, यू लकी इन दैट सेंस. तो तुम्हारा सीए ज्यादा ऑफिस नहीं आता था मतलब. नहीं, ऑफिस आते थे बट आर्टिकल्स इतने सारे थे कि वी ओके ठीक है, बड़ी बैच में बच जाते निकल जाते वैसे. ठीक बच जाते निकल जाते. है, एक बहुत सारे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है भाई ऑडिट के बारे में कि ऑडिट कैसे तैयार है. आई मीन यू नो ऑडिट का कैसा हुआ होता है स्टूडेंट्स के बीच में. तो यू नो योर इनपुट्स एवरीथिंग व्हाट एवर यू कैन शेयर ऑन ऑडिट. ऑडिट तो मेरे इंटर में 40 की लाइन में मार्क्स थे, तो मुझे पता था ऑडिट कुछ नहीं अच्छा होगा, ऑडिट लेट हुएगा. एंड आई एम आल्सो वेरी स्केर्ड ऑफ ऑडिट, तो मतलब ओके 5 महीने कोई मैंने सब्जेक्ट पढ़ा ही पढ़ा है तो वो ऑडिट है. सुबह के वो 4, हाँ सुबह के 4 घंटे ऑडिट के साथ में. अच्छा. अरे वेरी गुड. ऑडिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था जैसे आप लोग बताते हैं, बाकी फिर उन उनको डेज एलोकेट करे डेज, एंड रोज सुबह 4 घंटे, पूरे 5 महीने रोज सुबह 4 घंटे ऑडिट पढ़ा है. अच्छा तुमको हाँ, इतना इतना पसंद आ गया कि छोड़ा ही नहीं तुम. डर भी था, और हाँ एक मोमेंट पे आके पसंद भी आ गया था कि कितना अच्छा सब्जेक्ट है, कितना अच्छा लिखा है इसमें. अच्छा तो आई मीन इंटर का वो कहीं ना कहीं हेल्प कर गया तुमको कि हाँ तुम इंटर कॉन्फिडेंस का, हाँ इंटर का रह डर सकते हेल्प हो. कर गया मुझे कि ओके और कैसे तुमने पढ़ाई में फोकस, जैसे अपन 4 पार्ट्स में बांटते हैं तो उसमें तुमने कैसे फोकस किया, आई मीन सीक्वेंसिंग कैसे करी, थ्योरी चैप्टर्स पे क्या स्ट्रैटेजी लगाई, एसएएस का क्या किया. मैंने सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स से उठाया कि उसको उठा के मन लग जाता है. प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनी ऑडिट, राइट एसेज एंड अदर ऑडिट्स, ओके क्योंकि एसेज बीच में इसलिए क्योंकि फिर उसी की वजह से मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम आती है. तो एसेज को मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, उससे कंटेंट भी अच्छा आया. ओके ओके बाकी अदर ऑडिट्स इजी इजी पड़ा मुझे इस बार. ड्रोन चार्ट्स की मदद ली मैंने अदर ऑडिट्स और प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट में. बाकी उसे इसका कंटेंट पढ़ा, उसको समझने की कोशिश करी कि ये ऐसे कहना क्या चाहता है. ज्यादा बताया, ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एसेज थे उन पे भी ज्यादा फोकस करा. एग्जाम के एक दिन पहले जो एसेज मुझे पता थे कि ये इम्पोर्टेंट है वो ही देख पाई हूँ मैं. बाकी हाँ अदर ऑडिट्स में भी जो चैप्टर मुझे पता थे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पहले से ही मार्क करके रखे हैं वो करें. बाकी ओके कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट में फुल कंटेंट कवर करा. करा. आई मीन ओके वही है क्योंकि ऐसे ऐसे अदर ऑडिट में कहीं तो सिलेक्टिव आखिरी स्टेज पे तो होना पड़ता है, पूरा तो नहीं उसका होता है. कंटेंट तो नहीं हो सकता पूरा. करेक्ट. तो जब शुरू में तुमने पढ़ा था तुम क्या फोकस करती थी, याद करना शुरू से या वो आखिरी के समय के लिए रखा था, मगिंग अप जो होता है. नहीं मगिंग अप तो नहीं, 2-3 बार पढ़ा समझा कि क्या है. बाकी सेकेंड ऑडिट का ही शायद रिवीजन 3 बार हुआ होगा मेरा, फिर सेकेंड बार पढ़ा तो और अच्छे से क्लियर हुआ. थर्ड बार में कुछ कुछ चीजें याद थी, और फिर एग्जाम के एक दिन पहले भी कुछ कुछ ही याद थी, और फिर जो वापस से रिवाइज हो पाई वो पूरी अच्छे से. ओके अब इसमें एनी फीडबैक अबाउट द क्लासेस तुमने ऑडिट की करी उसका कुछ शेयर करना चाहोगी, कुछ सजेशंस हमारे लिए. सर बुक्स आर ऑसम, ड्रोन चार्ट्स आर ऑसम, मतलब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, और उनको देख के ऐसा लगता है कि चलो कंटेंट कम है, वरना ऑडिट के मॉड्यूल देख के तो बहुत डर लग जाता है, सही बात है. बहुत डर लग जाता है. उसके चैप्टर्स देख के 30-30 पेज के कैसे याद करेंगे. तो ड्रोन चार्ट्स मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें कुछ कंटेंट की कमी भी नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है, छोटे भी लगते हैं. तो मेजोरिटी ऑफ पार्ट तो मैंने वहीं से पढ़ा है, और ओके क्वेश्चन बैंक तो बहुत ही सुपर्ब है. सारे क्वेश्चन वर्ल्ड प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन बैंक तो मुझे बहुत ही पसंद था. तीन चार बार अरे वेरी गुड. और पेपर जब तुम लिखने गए तो वहां पे जब ऑडिट का पेपर दे रहे थे तो तुम मतलब यू वर ऐसा लग रहा था कि यार मेरे प्लान के हिसाब से ही जा रहा है सब कुछ. और वहां पे फिर तुमने एमसीक्यूज कब दिए, शुरू में या बीच में. एमसीक्यूज आई ऑलवेज ट्राई टू डू इट इन द बिगनिंग ओनली, कि 30 मार्क कवर हो रहे हैं तो हो जाए एक साथ ही. तो एमसीक्यू करके पेपर कंपेरेटिवली बहुत इजी था इस बार, तो इतना कुछ ऐसा लगा नहीं कि पेपर डिफिकल्ट है. अकॉर्डिंग टू प्लान स्मूथली गया वो, एक दो क्वेश्चंस में बस ऐसा ऊपर नीचे लगा, बाकी इट वाज मैनेजेबल. अरे मैनेजर. और कुछ चार्ट्स वगैरह के पिक्चर आ रहे थे दिमाग में ऐसा कि पेज नंबर अलोंग विथ वो चार्ट का शेप कैसा है, उस टेबल का बॉक्स का शेप कैसा है, उसमें एसडी एक्सक्लूसिव कहाँ लिखा हुआ है, वो सब. वो
पिक्टोरियल मेमोरी काम तो आती है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पिक्टोरियल मेमोरी बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ आ जाता है कि ये, अच्छा ये वहां लिखा हुआ था। वाह यार, चलो थैंक यू सो मच। इनफैक्ट अब मेरे लाइन से फटाफट क्वेश्चंस पूछते जा रहा हूँ, बीच में मैंने थोड़ा डिटेल में पूछना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन, स्टडीज शुड बी एग्जाम ओरिएंटेड और दे शुड बी डिटेल्ड? डिटेल्ड इन द बिगनिंग, मतलब डिटेल्ड फर्स्ट एंड सेकंड टाइम, थर्ड और फोर्थ आप एग्जाम ओरिएंटेड ही करिए। ओके, तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल्स इजी थे या मगिंग अप करने वाली थ्योरी इजी रहती? प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिकल्स। ओके, पहली बार जब करा तुमने तो क्या दिमाग में फोकस 100% कवरेज थी या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें एबीसी करके कवर करना था? नहीं, पहली बार 100%। ओके ओके, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तुमने 3 साल ऑफ योर आर्टिकलशिप पीरियड के दौरान कुछ और करी अपार्ट फ्रॉम सीएस स्टडीज? नहीं, आर्टिकलशिप में तो सिर्फ घूमा फिरा है, अगर वो एक्स्ट्रा करिकुलर हो तो। और क्या तुम्हें तुम्हारा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस अच्छा था तो तुमको जरूरत नहीं पड़ी? मुझे जरूरत नहीं पड़ी। करेक्ट। चलो, रिविजन पूछ लिया, स्लीप पूछ ली, थ्योरी पूछ लिया, ऑडिट पूछ लिया, मोटिवेशन के लिए तुम कोई स्पेसिफिक को देखती हो या जनरली सभी? जनरल सबको। ओके, सोशल मीडिया में कभी तुमको लगा तुम जरूरत से ज्यादा समय दे रही हो? हाँ, जब स्टार्टिंग ही हुआ था वो 5 to 6 months का, तब शुरू के दिनों में लगता था कि ज्यादा टाइम दे रही है, अभी तो अनइंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे पहले, जितने लोग सुन रहे हैं ना, मतलब ये भी इंसान है, इसकी भी दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक मुंह है, तो सबके साथ ऐसा ही होता है, तो नथिंग टू वरी, इज़न्ट दैट यू नीड टू चेंज गियर्स? करेक्ट। सबसे टफ पेपर तुमको कौन सा प्रिपरेशन के दौरान लगा? आई थिंक ऑडिट हो गया वो, तो उसमें कुछ बता दी डिस्कस करने का। ठीक है, चलिए, नेगेटिव थॉट्स तुमने बता दिया, कैसे ओवरकम करना है, चेंज योर गेम्स। एफआर तुमने कब से शुरू किया था, आखिरी में लास्ट कितने दिन? लास्ट के 6 days। उससे पहले तुम्हारे दूसरे चल रहे थे? हाँ, ठीक है। आईसीआई का मटेरियल तुमने क्या ऑडिट में पूरा देखा था, बुक देखी थी? नहीं, सिलेक्टिवली प्रोफेशनल एथिक्स जैसे मैंने पूरा देखा था, उसमें बहुत सारी केस स्टडीज रहती है छोटी छोटी छोटी, कंपनी ऑडिट भी मैंने पूरा देखा था, बाकी ऐसे और अदर ऑडिट्स तो नहीं देखे मैंने। वो पूरा अपन ड्रोन चार्ट्स और मटेरियल्स है। ठीक है, ग्रुप स्टडी, सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी ऑलवेज। स्टॉक मार्केट में तुमने पैसा खोया है? बिल्कुल खोया है, पर इतना लगाया नहीं जितना मतलब कि गम हो। ठीक है, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने जब स्टॉक मार्केट में पैसे, मैं आईटीसी में जॉब थी, तो फिर मैं वापस जब आया तो मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा, तो मुझे ऐसा याद आ गया एकदम, तो व्हेन आई केम बैक तो डैड से कुछ बात चल रही थी, तो डैड ने पूछा क्या हुआ, तो स्टॉक मार्केट करता था, आजकल करता नहीं है, दिखता नहीं है। तो मैंने बोला छोड़ दिया पापा, मेरा इतने का नुकसान हो गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, तो पापा के मेरे को आज भी वर्ड याद है, बोले सस्ते में छूट गया। तो उसके बाद से फिर नाउ वी बिकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, करेक्ट। सीए बाय चांस आए थे या प्लान्ड था? प्लान्ड था, कुछ और सोचा ही नहीं, 12th के बाद दे दी बस। ओके, दैट्स वेरी गुड यार। स्टडी लीव कितने टाइम की मिली थी तुम्हें? 5 महीने। 5 months and you completed in that. तुम्हारे lectures कब complete हो गए थे? Lectures 5 महीने के पहले, मतलब मई में खत्म हो गए। 5 months पूरी पढ़ाई के लिए थे। Okay. Inter के बाद classes के साथ साथ पढ़ाई करते थे तुम regularly? हाँ करते थे, थोड़ी बहुत homework हो गया, conceptual कुछ नहीं समझ आ रहे थे, वो खुद से हो गया। और अगर कैमरा बंद हो और पूछूं तो भी यही आंसर है? हाँ यही आंसर है, मतलब इतनी नहीं कि उस लेक्चर के बाद रिवीजन करना ही करना है, हाँ वो समझ आ जाए तो वहीं तक ठीक है, नहीं आया तो अपने लिए और करना ही पड़ा था वो तो। और एफर्ट तो डालते थे ऐसा? हाँ। ओके, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सोचा था कभी? हाँ सोचा था, उसके लिए मैंने ट्रांसफर भी लिया था अपनी फर्म से। अच्छा। अर्लियर आई वाज इन अ मिड साइज्ड फर्म, उसके बाद मैंने स्मॉल फर्म में ट्रांसफर ले लिया था, पर मैं गई नहीं उसके बाद। अच्छा, तो किसी ने ये पूछा है बिग फोर आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसे बोले 2 साल बाद ट्रांसफर की प्लानिंग कर लेंगे, 6 महीने में पढ़ लेना। ठीक है, और इसके अलावा आई थिंक आप कवर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। किसी ने पूछा है AI 2 कैसे आई, तो उसको बोल देते हैं कि पढ़कर आएगी, तुमने बता दिया बना कितने। अच्छा, ऐसे तुम पेपर डिवाइड करती थी क्या कि 1 घंटे में 35 marks का करना है या ऐसा कुछ? हाँ, कि ये क्वेश्चन 40 मिनट में करना है तो करना है, वो टारगेट रहता था। हाँ, 40 टू 45 भी हो गया तो ठीक है, पर इससे ज्यादा नहीं। ओके ओके, ठीक है। जूनियर्स के लिए तुम्हारी कोई टिप? कि नहीं, मजे करो, जितना एक एक दो दो लेक्चर्स डेली,
अप टू 5 months के लिए, और 5 months के लिए 8 to 10 hours पढ़ना है तो पढ़ना है। ओके वेरी गुड। एंड आखिरी क्वेश्चन, at the end of everything, do you think with all the sacrifices CA degree has, is CA worth doing it? Yeah, CA is totally worth doing it. Totally worth. मतलब कल का दिन देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है, it's totally worth doing it. I know, that's a dream come true. I mean, you know, you never know ऐसा incident वापस life में. I'm sure बहुत सारी बार तुम्हारे लिए होंगे ऐसे achievement, but this in itself is very special. Very special, too special. Wow. चलो थैंक यू सो मच शिखा, दिस इज ऑल बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू आस्क, एंड कीप इन टच, बच्चों की कुछ और क्वेरीज होगी तो वी यू नो बदर विद यू, बट चलो अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ एक सेकंड।